नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय मित्र अश्वनी भाटिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 12 कॉमन वेबसाइटें जो कि एक वेब डिजाइनर और डेवलपर को पता होनी चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 12 इम्पॉर्टेंट वेबसाइट दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो, दैट हेल्प्स डिजाइनर एंड डेवलपर। 12 वेबसाइट हैं जो कि एक डिजाइनर और डेवलपर को हेल्प करती हैं काम करने में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट जिसका नाम है TinyJPG.com। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते में हम लोगों को क्या होता है, सबसे हैवी जो मीडिया होता है उनमें से इमेजेस होती हैं, वीडियोज होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इमेजेस को कैसे कंप्रेस किया जाए। तो दोस्तों, अगर हम इमेजेस को कंप्रेस करना चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से इस वेबसाइट से कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास लेट्स सी एक इमेज है जिसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूं। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देखेंगे कि इसने 22% इसको वो कर दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये पहली वेबसाइट थी जिसको आप यूज कर सकते हैं इमेज कंप्रेशन में। इसको मैं बंद कर देता हूं। दूसरी वेबसाइट हम जिसकी बात कर रहे थे जिसका नाम है Google Page Insights, जिसे Google Page Speed भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करती है और वेबसाइट में बताती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने अभी स्टार्ट कर ली थी कुछ दिन पहले ही। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और सर्च करने के बाद मैं इसको एनालाइज में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की वेबसाइट है तो इसमें काफ़ी एरर्स मिलेंगे बिकॉज मैंने इस पर अभी काम नहीं किया है गूगल पे। लेकिन मैंने जस्ट एक वेबसाइट ली थी, मैं चाहता तो किसी बंदे की ले लेता, लेकिन मैंने अपनी इसलिए ली कि आप कोई मुझ पर कॉपीराइट इशू क्लेम ना कर सके कि मैंने उसकी वेबसाइट का नाम यूज किया है। तो आप देखेंगे गूगल एनालाइज कर रहा है जिसमें कि आपको बताएगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गूगल आपको सजेशन के तौर पर बताएगा और बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड मोबाइल पे और डेस्कटॉप पर कितनी है। तो आप देखेंगे इसने बताया कि आपकी मोबाइल की स्पीड इतनी है, डेस्कटॉप पर बताया 52 है। अगर मैं नीचे जाऊं तो इसने मुझको और सारी चीज़ों के सजेशन भी दे दिए कि यार आप ये चेंजेस कीजिए अपनी वेबसाइट पर, ये सारी इमेजेस रिड्यूस हो सकती हैं, इनका क्या क्या साइज हो सकता है। तो ये सारे सजेशंस हैं जिसको आप यूज करके इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, ऐसा हम डेवलपर्स मान के चलते हैं कि गूगल जो है वो सजेशन बहुत अच्छे देता है लेकिन डीपली सजेशन नहीं दे पाता। तो उसके लिए दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है GTmetrics.com। यार, ये भी एक वेबसाइट है जिसको आप परफॉर्मेंस के लिए चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे, और ये आपको डीपली बताएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट सबसे देर से लोड हो रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ। यार, बहुत लोग ऑप्टिमाइज जब करते हैं वेबसाइट के लिए तो वो GTmetrics और गूगल पेज स्पीड दोनों को लेके चलते हैं। आप देखेंगे ये भी स्कैन कर रहा है मेरी वेबसाइट को। दोस्तों, ये जो स्कैनिंग आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग होती है वेबसाइट की, इसमें क्या चीजें हैं। तो ये मत सोचना कि आप एक सिर्फ वेबसाइट को खोल रहे हैं इसमें, जो कि बहुत फास्टली खुलते ही यूआरएल डालते ही आ जानी चाहिए। ये टाइम लेता है बिकॉज ये हर चीज चेक करता है कि वेबसाइट की सर्वर लोकेशन क्या है, वेबसाइट जो है वो किस किस सर्वर पे है, इसकी कौन कौन सी जावा स्क्रिप्ट है जो इसको इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी इमेजेस हैं जो इसको इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी सीएसएस फाइल है जो इसको इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं वेबसाइट को। देखो इसने मेरे को दिखाना शुरू कर दिया और ये मुझे सजेशन भी देगा कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या चीजों में गलतियां हैं। इसने देखो मुझे सब बता दिया कि मेरा पेज स्पीड कितना है, मेरे पेज में स्कोर कितना दे रहा है मुझे, मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं है जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और जो जो ग्रीन है मतलब उसमें इसने मुझे पास कर दिया है, जिसमें जीरो है इसने मुझे बिल्कुल पास नहीं किया है, मेरा कंप्रेशन ऑन नहीं है, मेरा लेवरेज ब्राउजिंग कैशिंग ऑन नहीं है। तो ये सारे एरर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों वू मार्क, वू रैंक पे। तो वू रैंक जो है यार उसको यूज करते हैं लोग वेबसाइट का एसईओ चेक करने के लिए कि वेबसाइट जो है उसमें एसईओ में क्या काम किया गया है, क्या काम नहीं किया गया। इसको आप ट्रायल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कोई बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे क्लाइंटों की, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट इसके द्वारा चेक करी है, जिसके द्वारा मुझे पता चल जाता है उस वेबसाइट की स्टैटिक्स की, इसकी क्या स्टैटिक्स है वेबसाइट को लेके और इसमें मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी लॉगिन नहीं कर रखा, आप ट्रायल करके लॉगिन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके यार साइट क्रॉल और कीवर्ड टूल्स भी है जिसको आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग color.adobe.com। ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है यार। मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं फोटोशॉप में जा जाके कलर तो पिक नहीं कर सकता, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझे तो कलर्स ऑनलाइन ही चाहिए होते हैं। तीसरी चीज़ मेरे को यार वेबसाइट पे किस टाइप के कलर्स को यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो मुझे हेल्प करें मेरी कलर थीम बनाने में। तो दोस्तों ये जो एक वेबसाइट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है और मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ और मैंने बहुत लोगों को इसको यूज़ करते हुए भी देखा है। तो देखो इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आप डायरेक्टली कोई भी कलर पैटर्न भी बना सकते हैं, कलर भी मैच कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं उसके उसने कलर्स दे दिए हैं आपको, और उस कलर का देखो आप थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, उसका टोन, इसका कलर कोड मिल गया आपको, इसका RGB कोड मिल गया आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें। ठीक है, तो ये तो आपकी बात रही कि आपको कलर कोड कैसे मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर मुझे कोई इमेज है उसमें से कोई कलर कोड चाहिए तो मैं कैसे लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि अभी हमने देखी थी ये इमेज, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देता हूँ। आप देखेंगे इसने मुझे बता दिया कि इस इमेज में 4 कलर हैं जो यूज हो रखे हैं। अब मैं देखो कोई भी सारे कलर्स मुझे मिल चुके हैं, यहाँ पर मैं किसी भी कलर को चूज कर सकता हूँ। मुझे किसी का कलर कोड देखना है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ी आसानी से उसको यूज कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं हम एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट पे। दोस्तों क्या है कि मैं कोई अगर एक दूसरी इमेज अपलोड करूँ और उस इमेज को अपलोड करने के बाद अगर मैं देखूँ तो आप लोग देखेंगे कि मैंने अगर जो भी इमेज अपलोड करी उस इमेज का मुझे कलर थीम पैटर्न चाहिए कि यार ये जो इमेज है ये किस तरीके की कलर्स को यूज़ कर सकते हैं हम इस इमेज के तौर पर वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों मैंने एक लेट्स सी एक ये कलर डाल दिया यहाँ पर और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने रिप्लेस इमेज कर दी और रिप्लेस कर मान लो जैसे मैंने एक लैपटॉप ही ले लिया, तो देखो इसने मुझे लैपटॉप बता दिया। अब लैपटॉप में इसने मुझे यहाँ पर ये सारे कलर थीम भी बता दी। आपकी वेबसाइट कलर पर ये चीज़ें हो रखी हैं। अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट थीम तो इसने मेरे को थीम भी बता दी कि आप इन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पेरेंट तरीके से यूज़ हो रखे हैं इसमें। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसको आप, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा एक्सप्लोर करें और बहुत अच्छी चीज़ है। लॉरेम इप्सम या जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कंटेंट तो क्लाइंट हर समय नहीं अवेलेबल करता, हम डेमो के तौर पर बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं। तो कंटेंट किसी वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट करना हमारी वेबसाइट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग लॉरेम इप्सम वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से डमी कंटेंट के तौर पर पेस्ट कर सकते हैं जिससे कि वेबसाइट के एसईओ पे और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं WhatWPThemeisThat.com। यार ये एक वेबसाइट है जो कि डिटेक्ट करती है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कौन सी वर्डप्रेस थीम आपने इस्तेमाल कर रखी है। जैसे कि यार मैं एक वेबसाइट यूज कर लेता हूँ जो इंटरनेट पर थीम फॉरेस्ट पे चले जाते हैं, थीम फॉरेस्ट पे कोई भी थीम दे लेते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं कि यार इसने कौन सी थीम को इस्तेमाल कर रखा है। तो क्रिएटिव्स में चले जाते हैं और जैसे कि मैंने देखा है यूनिकोड क्रिएटिव मल्टीप्लेक्स थीम है, ये मल्टीपर्पज थीम है और इसका एक यूआरएल ले लेते हैं और मैं इसके द्वारा डिटेक्ट करके देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट कहाँ है। तो देखेंगे दोस्तों ये टाइम लेगा आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट करने में कि इसने कौन सी थीम ले रखी है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसने यूज कर रखी है। इसने बता दिया देखो वर्डप्रेस प्लगइन, इसने WP रॉकेट इस्तेमाल कर रखा है और भी यार काफी चीजें ये बता देता है, अगर आप चाहें तो डिटेल में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम tools.pingdom.com की। दोस्तों ये एक वेबसाइट है जो कि टेस्ट करती है आपकी स्पीड भी। मैं इसको किस लिए इस्तेमाल करता हूँ यार, मैं एक वेबसाइट का ओनर हूँ और मेरी वेबसाइट से मेरा काफी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट डाउन होती है तो क्या मेरे को पता चलेगा? मैं हर समय तो सिस्टम पर बैठा नहीं हूँ वेबसाइट को ट्रेस करने के लिए, क्या मेरी वेबसाइट ऑनलाइन है या नहीं है। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप जाके अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये बताता रहेगा कि आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है, आपकी वेबसाइट अप है, और भी इसके काफी टूल्स हैं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो मैं देखता हूँ। तो दोस्तों मैं आप देखेंगे मैंने अपनी वेबसाइट को स्टार्ट टेस्ट कर दिया और टेस्ट करने के बाद ये मुझे बता देगा कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लाइव है या नहीं है। और मेरे जब अकाउंट बनाऊंगा तो ईमेल आईडी डालूंगा और ईमेल आईडी डालने के बाद मैं इसमें साइन अप कर दूंगा। साइन अप करने के बाद मैं जब लॉगिन करूंगा तो मेरी वेबसाइट इसके टूल्स में जाके टेस्ट हो चुकी होगी और टेस्ट होने के बाद मैं देखूंगा। तो आप देखेंगे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है दोस्तों इस पर, और मैं जाके आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है। अब देखेंगे मैं लॉगिन हूँ ऑटोमेटिकली इसमें। मैंने जैसे यहाँ पर किया अप टाइम पे जाके मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। देखो मुझे बता देता है कि आपकी वेबसाइट कब लाइव थी, कब कब डाउन हुई है, क्या क्या उसके लॉग्स हैं, अभी तक अप टाइम रही है लास्ट 7 days में, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं पिक्साबे। यार बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है यार। किसी भी चीज को चाहिए हो ना बड़ी आसानी से मिल जाती है इस पे, जो कि फ्री पिक्चर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ और मेरे को कोई ऐसी इमेज चाहिए जो कि गूगल से मैं निकाल लेता हूँ तो उस पर कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, लेकिन इस वेबसाइट को इस्तेमाल करके आप फ्री में इमेजेस निकाल सकते हैं, नो कॉपीराइट क्लेम। जैसे कि मैंने कहा ऑफिस वर्क, मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप देखेंगे मेरे को मीटिंग की मैं डालना है तो मैं इस टाइप की इमेज डाल सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ, फ्री यूज कर सकता हूँ वेबसाइट पे। ये फ्री में इमेजेस आपको दी गई हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है इसका। बात समझ में आई आपको? यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए। उसके बाद बात करते हैं हम freepik.com। अगेन अगर मुझे वेबसाइट के लिए आइकन्स चाहिए, वेक्टर ग्राफिक्स चाहिए तो बड़ी आसानी से ये वेबसाइट पर मिल जाता है। लेट्स सी, मुझे एक डिलीवरी बॉय चाहिए। मैंने डिलीवरी बॉय लिखा। डिलीवरी बॉय लिखने के बाद आप देखेंगे कितनी अच्छी इमेज आ चुकी है। इसको मैं फ्री में भी डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मैं इसमें लॉगिन कर लूँ तो। कुछ चीजें पेड भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज फ्री होती है। अब ये देखो पिज्जा डिलीवरी का है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहा भैया प्रीमियम चाहिए, फ्री डाउनलोड। मैं फ्री डाउनलोड करूंगा तो भैया बस मेरे को ये यूआरएल देखो आ गई मेरे पास इमेज। कितनी अच्छी चीज है, आप बड़े आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं एक और इससे रिलेटेड वेबसाइट थी फ्लैट आइकन। अगर दोस्तों मुझे कोई भी आइकन चाहिए ना फ्री में वेबसाइट के लिए तो मैं बड़ी आसानी से इसको यूज कर सकता हूँ। सो गाइज यू कैन सी आई हैव सम आइकन्स दैट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड देयर। आई कैन यूज एनी ऑफ द आइकन्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई डोंट नीड टू गिव एनीथिंग टू एनी ऑफ देम। यू विल सी दिस इज द आइकन्स दैट आर अवेलेबल हियर। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन सेव इट। आपको एसवीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, क्या चाहिए ये ले सकते हो आप बड़ी आसानी से। उसके बाद एक वेबसाइट है GetHuman.com। यार ये जो वेबसाइट है इससे हम बड़ी बड़ी कंपनियों का फोन नंबर, ईमेल आईडी निकाल सकते हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इनसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। जैसे मैंने पेपाल का निकालना था, मैंने पेपाल डाल दिया भैया। पेपाल डालने के बाद आप देखो उसने सब कुछ बता दिया आपको। तो ये दोस्तों कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और आई होप मैंने जितनी वेबसाइट बताई होंगी वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी को किसी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर डालें, मैं उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है एक डेवलपर और डिजाइनर के लिए। आप लोग इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।